स्वॉन्ग फायर बेन 10 का काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एंड कूल एलियन है। और स्वॉन्ग फायर सबसे पहले हमें बेन 10 एलियन फोर्स में दिखा था और ये बेन 10 की एलियन फोर्स सीरीज का सबसे पहला एलियन बना था। और बेन 10 एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन में बेन 10 ज़्यादातर स्वॉन्ग फायर में ही ट्रांसफॉर्म होना पसंद करता था। और स्वॉन्ग फायर की स्पीसीज को मेथोनोशियन कहते हैं। और बेन 10 की सीरीज में हमें काफ़ी सारे मेथोनोशियन भी देखने को मिले हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 4 मेथोनोशियन के बारे में बताने वाला हूँ। नंबर 4 स्वॉम्प। सबसे पहले हमें बेन 10 अल्टीमेट एलियन के डबल और नथिंग एपिसोड में देखने को मिला था और ये मेथोनोशियन उतना पावरफुल नहीं था जितना मेथोनोशियन को पावरफुल होना चाहिए। हालांकि ये अच्छा एक्टर था और ये ऑडिशन देने के लिए एल्बिडो के शो में आया था, लेकिन ये फाइटिंग में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और ये बेन 10 से आसानी से हार गया था। हालांकि बेन 10 के पास पावरफुल एलियन भी थे, लेकिन स्वॉम्प उतना भी पावरफुल मेथोनोशियन नहीं है और उतना स्किल्ड मेथोनोशियन भी नहीं है। नंबर 3 स्वॉन्ग फायर सबसे पहले हमें बेन 10 एलियन फोर्स में देखने को मिला था और बेन 10 एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन में स्वॉन्ग फायर ने काफी सारे कारनामे करके दिखाए थे और स्वॉन्ग फायर बेन 10 का काफी पावरफुल एलियन भी बना। और जब सिचुएशन ज्यादा ही सीरियस हो जाती थी तो बेन 10 स्वॉन्ग फायर में ही ट्रांसफॉर्म होना प्रेफर करता था और स्वॉन्ग फायर ने बेन 10 की सीरीज में काफी सारे कारनामे भी करके दिखाए हैं। और स्वॉन्ग फायर के पास हीट ब्लास्ट और वाइल्ड वाइन दोनों की पावर्स है और काफी सारे बेन 10 फैन तो ये भी कहते हैं कि स्वॉम फायर वाइल्ड वाइन और हीट ब्लास्ट का फ्यूजन है, लेकिन स्वॉम फायर एक सेपरेट एलियन है और वो अपने आप को कितने भी टाइम तक रीजनरेट कर सकता है। हालांकि उसे पूरा ही काट पीट दिया गया तो वो थोड़ी देर में रीजनरेट हो पाता है, लेकिन ऐसी भी बात नहीं है कि स्वॉम फायर कभी मर ही नहीं सकता। कई सारी जगहें ऐसी हैं जहां पर स्वॉम फायर की रीजनरेशन पावर काम नहीं करेगी, जैसे कि सन। अगर स्वॉम फायर को सूरज पे भेज दिया जाए तो स्वॉम फायर की रीजनरेशन पावर काम नहीं करेगी। अब आप लोग कहोगे स्वॉन्ग फायर तो एक फायर टाइप एलियन है और हीट ब्लास्ट तो सन पे सर्वाइव कर सकता है, तो स्वॉन्ग फायर सन पे क्यों नहीं सर्वाइव कर सकता? तो देखो यार, स्वॉन्ग फायर का नेचर फायर नहीं है, उसका नेचर सिर्फ प्लांट और ट्रीज का है। अब हालांकि उसकी फायर पावर भी उसे विरासत में मिली है, लेकिन उसके अंदर मीथियन गैस होने की वजह से वो थोड़ी बहुत फायर पावर का यूज कर सकता है। ये नहीं है कि उसकी पूरी बॉडी फायर प्रूफ है, तो इसीलिए स्वॉन्ग फायर सन पे सर्वाइव नहीं कर सकता। और आपने बेन 10 एलियन फोर्स के एक एपिसोड में देखा ही होगा कि डीएन एलियंस ने अपनी आइस मशीन का यूज किया था स्वॉम फायर और एलन के ऊपर। एलन हीट ब्लास्ट की स्पीसीज वाला एक पायरोनाइट है और एलन के ऊपर डीएन एलियंस की आइस पावर वाली मशीन का बिल्कुल भी असर नहीं हुआ था, लेकिन स्वॉम फायर कुछ देर के लिए आइस में जम गया था। हालांकि स्वॉम फायर के पास थोड़ी बहुत मीथेन गैस होने की वजह से उसकी जो आइस है वो थोड़ी देर बाद पिघल गई थी, लेकिन यहीं पर आपको एग्जांपल मिल गया होगा, जो स्वॉम फायर के हाथ हैं वो वहीं से सिर्फ फायर पावर जनरेट कर सकता है। नंबर 2 ब्लूम्ड स्वॉम्प फायर। अब ब्लूम्ड स्वॉम्प फायर हमें सबसे पहले बेन 10 ओमनीवर्स में देखने को मिला था। ब्लूम्ड होने के बाद स्वॉम्प फायर के पास काफी सारी एबिलिटीज आ जाती हैं, लेकिन उसके पास कई सारी ऐसी एबिलिटीज आ जाती हैं कि वो सामने वाले प्लांट और ट्रीज को कंट्रोल कर सकता है। हालांकि वो पहले भी प्लांट और ट्रीज को कंट्रोल कर सकता था, लेकिन वो प्लांट और ट्रीज को खुद ही अपने अंदर से जनरेट करता था। लेकिन ब्लूम्ड होने के बाद स्वॉम्प फायर किसी भी प्लांट और ट्री को कंट्रोल कर सकता है और स्वॉम फायर के पास काफी सारी एबिलिटीज आ जाती हैं, जैसे कि वो लेविटेशन कर सकता है और भी कई सारी पावर उसकी इनहेंस हो जाती हैं। और ब्लूम्ड स्वॉम फायर सिर्फ हमें बेन 10 ओमनीवर्स के 2 एपिसोड में ही देखने को मिला था। नंबर 1 अल्टीमेट स्वॉम फायर। अल्टीमेट स्वॉम फायर सबसे पहले हमें बेन 10 एलियन फोर्स के लास्ट एपिसोड में देखने को मिला था, जब बेन 10 ने सबसे पहला अल्टीमेट एलियन यूज किया था। और सच में यार, अल्टीमेट स्वॉम फायर एक ऐसा एलियन है जो कि अपने नॉर्मल वर्जन से बिल्कुल अलग है और अल्टीमेट स्वॉम्प फायर काफी ज्यादा कूल एलियन भी है। और अल्टीमेट स्वॉम्प फायर के पास भी फायर पावर है, लेकिन अल्टीमेट स्वॉम्प फायर के पास ऐसी ऐसी फायर पावर है कि वो एक सेकंड में ही सामने वाले एनिमी को डिफीट कर दे। सबसे पहले तो स्वॉम्प फायर के पास अपने बॉम्ब हैं, जो कि एक बॉम्ब का ही एक्सप्लोजन काफी बड़ा होता है। और भी उसके पास काफी सारी पावर्स हैं, लेकिन अल्टीमेट स्वॉम्प फायर को हमें बेन 10 ओमनीवर्स में नहीं दिखाया गया। अब पता नहीं इन्होंने बेन 10 ओमनीवर्स में अल्टीमेट स्वॉम्प फायर को क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि अल्टीमेट स्वॉम्प फायर बेन 10 का एक काफी ज्यादा कूल एलियन है और अल्टीमेट स्वॉम्प फायर को काफी सारे बेन 10 फैन पसंद भी करते हैं। अब मेरे को ये लगता है कि उस टाइम पे स्वॉम्प फायर अपने ब्लूम्ड होने की स्टेज में था, इसीलिए अल्टीमेट स्वॉम्प फायर को बेन 10 ओमनीवर्स में नहीं दिखाया।
बनाया गया। लेकिन आप लोग कहोगे तो इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो बस यही थे टॉप 4 स्वैम फायर। आपको इन चारों में से कौन से स्वैम फायर पसंद है मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। और इस वीडियो का लाइक एम है 3 के लाइक, तो प्लीज यार कंप्लीट करवा देना और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना।